उपचुनाव में पूर्व विधायक हेमंत कटारे को कांग्रेस ने महगांव से अपना प्रत्याशी बनाया है। कटारे को टिकट मिलने के बाद उनकी मां मीरा कटारे अपने बेटे को जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। मीरा कटारे सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। उनका कहना है कि उनके दिवंगत पति सत्यदेव कटारे को महगांव की जनता ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उन्हें भी पूरा भरोसा है कि उपचुनाव में उनके बेटे को जनता अपना आशीर्वाद देगी। मीरा कटारे के मुताबिक उनके पति के देहांत के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट गया था। अब बेटे को मौका मिला है तो महगांव की जनता इसका जवाब देगी और उपचुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताएगी। हेमंत सबका बेटा है, मीरा अकेला नहीं है और वो दो बार उनके पिताजी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, वो चाहे कहीं से भी हारे हों लेकिन महगांव ने दोनों बार उनको जिता के भेजा था खूब 20-30 हज़ार वोट से। ऐसा नहीं है और ऐसा है उनके तो दिल में बसा था महगांव, अटेर उनके लिए कोई अलग नहीं था, तो इसलिए बेटे को भी ये इच्छा थी पहले तो कि कोई लोकल का प्रत्याशी हो, वो बिल्कुल इच्छुक नहीं था, लेकिन जब उनने बुलाया कि कोई लोकल का नहीं उनको जमा दिया है तो मैं अब यही प्रार्थना कर रही हूँ पूरे महगांव वाले क्षेत्र वालों से कि ये सब मेरा बेटा नहीं है, ये पूरा उनका ही जो कुछ है और अब इसको जो टिकट लेके आया है तो जिता के पहुंचा है।